हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो के थ्रू एक बड़ा ही अतरंगी क्वेश्चन टाइप रिलेटेड टू द टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। यहाँ पे भाई साहब होम है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, ये दो टर्म्स हमें क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। एक आदमी जो है वो घर से निकलता है और पोस्ट ऑफिस के लिए जाता है, पोस्ट ऑफिस तक जाता है। उसको जो एक तरीके से जिस स्पीड के साथ वो जाता है वो मेंशन है, गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड के साथ, इस स्पीड के साथ जो है वो होम से पोस्ट ऑफिस तक जाता है। ओके, ऑब्वियसली अभी पोस्ट ऑफिस में बसना थोड़ी ना है, ओके वहीं पे थोड़ी ना रहना है, घर भी तो आना है, तो वो घर में भी आ जाता है, घर पे आता है विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। और जो वो वापस आता है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। दिस इज वॉट इज गिवेन, दिस इज वॉट इज मैंशन इन द क्वेश्चन। और एक और चीज हमें बताई गई है वो ये है कि द टाइम टेकन फॉर द एंटायर जर्नी इज इक्वल टू 5 आवर्स। इतना टाइम लग रहा है उसको, मतलब गया और आया, ये जो पूरी एंटायर जर्नी उसने ट्रैवल की उसके लिए जो टोटल टाइम उसको लगा वो इतने आवर्स का है। अब अपने को सवाल में पूछा गया है कि फाइंड क्या करना है। यू हैव टू सिंपली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड द पोस्ट ऑफिस, यानी यू हैव टू फाइंड द डी डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करना है कि भैया घर और पोस्ट ऑफिस की कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, वो अपने को जो है फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने का सबसे आसान प्रोसीजर मैं अभी आपके सामने परफॉर्म करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो अपने को रिक्वायर्ड होगी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो ये है, टाइम तो है अपने पास, ओके डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। तो कौन सी एक तीसरी एंटिटी है जो हमें फाइंड करनी है, वो ये है एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। अपने को अभी ये ऐसी स्पीड दी, अपने को पूरे एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं एक नया फंडा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो है कुछ इस तरीके से 2xy/x+y। कईयों ने इसके बारे में सुना होगा, देखा होगा, अप्लाई भी किया होगा, वो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। ये है क्या बेसिकली, वॉट इट इज, सेम सिनारियो, सेम सिचुएशन। यहाँ पे सिर्फ 25 जो है वो x है और 4 जो है वो y, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब क्या कि अ मैन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू पोस्ट ऑफिस विद एन स्पीड ऑफ x एंड इट इज कमिंग बैक ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस, ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस एट एन डिफरेंट स्पीड, दैट इज y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी निकल के जो आता है वो इतना है। समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो ये सेम डिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गया भी पहले ट्रैवल उतना ही डिस्टेंस किया और आया भी उतना ही ट्रैवल डिस्टेंस किया, बट यू नो विद अ डिफरेंट स्पीड। पहले 25 था, अब 4 किलोमीटर पर आवर के साथ आया, तो अभी इसका जो टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी निकल के आता है वो कितना होगा, 2 × x कितना है 25 × y कितना है 4 डिवाइडेड बाय 25 + 4। तो वो कितना आता है, यू कैन सी इट हेयर, 25 × 2 = 50, 50 × 4 = 200 डिवाइडेड बाय 29 किलोमीटर पर आवर का ये जो है मेरा एवरेज स्पीड निकल के आ गया। टाइम मेरे को दिया हुआ है, ओके सो टाइम मुझे पता है, सो देयरफॉर अपन क्या कर सकते हैं, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कौन सा होगा, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस ऑफ द एंटायर जर्नी, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर एंटायर जर्नी, दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। तो फिर उस हिसाब से इन दोनों को यूज करके जो अपना डिस्टेंस निकलेगा वो भी एंटायर जर्नी का ही डिस्टेंस होगा। एंटायर जर्नी मतलब क्या, होम से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से फिर से होम, लेकिन अपन इंटरेस्टेड है सिर्फ इस डिस्टेंस में। और जो अपने को आंसर मिलेगा इट विल बी द ट्वाइस ऑफ दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी, इफ यू सी इट हियर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपने पास स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड क्या निकाला अपन ने, 200 / 29, ये जो है अपन ने अभी स्पीड निकाला है, इंटू व्हाट इज दिस टाइम, 5 × 5 = 25, 25 + 4 = 29, 29 / 5 इट इज। समझ में आ गया, 29 गेट कैंसिल, 5 × 5 यहाँ 40, ओके सो 40 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस निकल के आता है। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस है, ये 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो है होम टू पोस्ट ऑफिस प्लस पोस्ट ऑफिस टू होम का डिस्टेंस है ये। अपने को क्या करना है, एक ही चाहिए एक्चुअली, हमें जो डी में इंटरेस्टेड है, दिस इज 2D, दिस इज नथिंग बट, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट 2D, इट इज 2D। समझ में आ रहा है ना, यहां से यहां डी है, वापस यहां से यहां 2D, लेकिन अपन इंटरेस्टेड है सिर्फ डी में। अपने को सिर्फ क्या करना है,
एक ही बार जो अपना ट्रैवल हो रहा है वो जो डिस्टेंस है डी उसे फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर जो डी निकल के आता है 40 डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू हैव गॉट द सिंपल पॉइंट। तो ये जो बारीकियां है क्वेश्चन को समझना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप यहीं पे रुक जाओगे 40 किलोमीटर पे और बोलोगे यस दिस इज द डिस्टेंस, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। एक्चुअल डिस्टेंस ये है डी, और जो हमने अभी मिला वो एंटायर जर्नी का डिस्टेंस था दैट वॉज 2D, एंड फाइनली 2 से डिवाइड करने के बाद अपने को जो डी मिलता है वो 20 किलोमीटर, जो कि फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप दोस्तों इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी, तो लाइक कर दीजिए और उससे भी ज़्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।